लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है और इसी चरण में अलग अलग पार्टियों के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है और साथ ही कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी कांटे का मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें कि छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इस दौरान दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों के लिए वोटिंग होनी है। तो यूपी में एक बार फिर से सबसे ज्यादा यानी कि 14 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे तो वहीं झारखंड की 4 सीटों के लिए भी मतदान होगा। और इस चरण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री मेनका गांधी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोज तिवारी, कांग्रेस से शीला दीक्षित सहित कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 12 मई को 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। आपको बता दें कि 59 सीटों पर वोटिंग होगी और कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी कांटे का मुकाबला इस चुनाव में होने वाला है और यूपी की सबसे ज्यादा 14 सीटों के लिए मतदान होगा। अखिलेश, मेनका सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगने वाली है। 12 मई को 7 राज्यों में चुनाव होंगे आपको बता दें कि कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी कांटे की टक्कर होने वाली है तो वहीं यूपी में भी सबसे ज्यादा 14 सीटों पर मतदान होगा। अखिलेश मेनका सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस छठे चरण के लिए दांव पर है और इसका छठे चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है और 12 मई को 7 राज्यों में चुनाव होंगे, 59 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको बता रहे जिसमें कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी कांटे का मुकाबला होने वाला है। 14 सीटों पर सबसे ज्यादा यूपी की सीटों पर मतदान होगा।